गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे, सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताई गई है। तो चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ और जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम डेट, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की नई तारीख घोषित, 20 जून से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस बार आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट चेंज करने का मौका भी दिया जा रहा है, यानी आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को भी इस बार चेंज कर पाएंगे। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को चेंज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए अब मैं ये आर्टिकल आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कप 2022 एग्ज़ाम डेट्स। फिर इसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक में विभिन्न डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाएँ अब 27 से 30 जून के मध्य कराई जाएंगी। ये तो मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की नई डेट आ चुकी है। अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 27 जून से 30 जून के मध्य होने वाला है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र अभ्यर्थी 20 जून से डाउनलोड कर सकेंगे, यानी 20 जून से यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 20 जून से। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है पहले 6 से 10 जून के मध्य परीक्षाएं होनी थी किंतु अपरिहार्य कारणों से प्रवेश परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, पहले आपका एग्ज़ाम 6 से 10 जून के बीच होने वाला था लेकिन फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की नई डेट भी जारी कर दी गई है, 27 जून से 30 जून के मध्य आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब इसके बाद देखिए जो लाइन आपकी लिखी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पहली बार परीक्षा की तारीखें टकराने पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से प्रवेश परीक्षा की तारीख बदलने का विकल्प दिया जा रहा है, यानी इस बार आप सभी स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को भी चेंज कर पाएंगे। कैसे चेंज कर पाएंगे अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल में समझाऊंगा, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए मॉक टेस्ट के लिए लिंक भी पोर्टल व प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट आएगा यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ध्यान रखिएगा एक मॉक टेस्ट आएगा। और ये मॉक टेस्ट आपको क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाएं। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस बार पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे
और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगी, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो ये सब नॉलेज आपको नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ, और जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट भी जारी किया जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और देखिए, जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो लिंक आप लोगों के प्रवेश पत्र पर भी दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैसे भी जब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा ना, तो वैसे ही आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो जैसे आप लोगों का मॉक टेस्ट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि मॉक टेस्ट आपको देना कैसे है, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट इसलिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएं, आपको नॉलेज मिल जाए कि कैसे आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व अभ्यास कर सकेंगे, यानी अपने एग्जाम से पहले आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि साथ ही साथ परीक्षा तारीख, समय व स्थान की विस्तृत सूचना के साथ साथ आवश्यक परीक्षा निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित होंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है, वैसे तो आपका एग्ज़ाम 27 जून से 30 जून के मध्य होने वाला है, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम पहले दिन होगा, किसी का दूसरे दिन, किसी का तीसरे दिन, तो एग्जैक्ट किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, किस टाइम पर है और आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेगा आपके एडमिट कार्ड में। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा 20 जून से, यानी 20 जून को तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको आपकी परीक्षा की तारीख, समय और एग्ज़ाम सेंटर, यानी इस स्थान जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और परीक्षा से रिलेटेड जो भी निर्देश होंगे यानी इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो सब आपके एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 2022 की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित निर्देश व अन्य नवीनतम जानकारी वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इस बार अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को भी चेंज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभारी सचिव ने बताया कि इस वर्ष से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिषद की प्रवेश परीक्षा के समय अन्य परीक्षाएं होने की दशा में प्रथम बार परिषद की ओर से परीक्षा तारीख बदलने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने या अन्य परीक्षा छोड़ने की कठिनाई ना उठानी पड़े। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है, परीक्षा अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई अन्य परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 के समान दिवस को ही निर्धारित है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी परीक्षा तारीख परिवर्तन के लिए UPJEE 2022 exam@gmail.com पर परीक्षा का प्रवेश पत्र अटैच कर ईमेल भेज करके परीक्षा तारीख बदलने का अनुरोध कर सकेंगे। तो मैं आपको डिटेल में समझा दूं, जैसे मान लीजिए 27 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 27 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 27 जून को ही आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम है, ठीक है, 27 जून को ही आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम है और आप उस दूसरे एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इस दशा में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को चेंज करवा पाएंगे। कैसे चेंज करवा पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, परीक्षा अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई अन्य परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 के समान दिवस को ही निर्धारित है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी परीक्षा तारीख परिवर्तन के लिए, देखिए यहाँ पे आपको एक जीमेल आईडी दी गई है, इसको नोट कर लीजिए, UPJEE 2022 exam@gmail.com पर
परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी अपने परीक्षा का प्रवेश पत्र अटैच कर ईमेल भेज करके परीक्षा तारीख बदलने का अनुरोध कर सकेंगे। तो यही एक मेथड है जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की डेट को चेंज करवा पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि परिषद की ओर से अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार कर परीक्षा तारीख बदल दी जाएगी व परीक्षा तारीख परिवर्तन की सूचना प्रेषक को उसी मेल आईडी पर भेजी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की डेट को चेंज करवाना चाहते हैं, तो जिस जीमेल आईडी से आप लोग अपना मेल सेंड करेंगे और प्रवेश पत्र अटैच करके जो सेंड करेंगे इस ईमेल आईडी पर, जो जीमेल आईडी यहां पे दी गई है इस पर भेजेंगे, तो जिस जीमेल आईडी से आप सेंड करेंगे उसी पर आपको रिस्पांस मिलेगा, यानी उसी जीमेल आईडी पर आपको रिस्पांस आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट को चेंज कर दिया गया है और आपको ये बता दिया जाएगा कि अब आपका एग्ज़ाम किस दिन किस तारीख को है और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को चेंज कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे जीमेल आईडी लिखी हुई है इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये सुविधा इसलिए दी जा रही है क्योंकि 27 जून से जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसी दिन कई परीक्षाएँ हैं। इस बीच में देखिए 27 जून से 30 जून तक एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, तो इस बीच में कई परीक्षाएँ हैं, तो सेम परीक्षाएं आप कैसे दे पाएंगे एक ही दिन। जैसे मान लीजिए 27 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है और कोई दूसरा एग्ज़ाम भी आपका उसी दिन हो जाता है और दोनों ही परीक्षाएं आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये विकल्प दिया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम ना छूटे और आप अपनी परीक्षाएँ दे पाएँ। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को चेंज कर सकते हैं, ये जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार पहले भी बताया है कि मैंने आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा चैनल पे जा करके आप लोग, आपको वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, और जितना मैंने पढ़ाया है अगर उतना पढ़ लेंगे ना तो बड़े आसानी से आप लोग अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।